तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एवन क्लासेस में, और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम लोग रेलवे बूस्टर की सीरीज चला रहे थे इंडियन इकोनॉमी की, तो उसमें पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पार्ट टू करने वाले हैं, और लगभग इसमें हम लोग दोस्तों 300+ से भी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहती है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है, उसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है, तो उसे बुल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल। उधार मुद्रा यानी सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, उसे उधार मुद्रा यानी सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो यह संरचनात्मक बेरोजगारी है। G8 संगठन में सम्मिलित किया गया 8वां राष्ट्र कौन सा है? तो ये रूस है आपका। ठीक है, उसके बाद आगे अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कब हुई? इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो 1938 में हुई थी, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो तृतीय योजना में। ठीक है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? तो उत्तर महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 को घोषित किया था क्या? महिला अधिकारिता वर्ष। राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम का जो संचालन है वो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किया जाता है, यानी ये SIDBI के द्वारा किया जाता है। सेनवेट क्या है? तो केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली है सेनवेट। नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता दर 75% कर लेने की क्या सीमा निर्धारित की गई? तो सन 2005 तक निर्धारित की गई है। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? ये 21.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये मायायोशी। ठीक है, किसको? मासायोशी सन को कहा जाता है, इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया? तो 1970 में। किस वर्ष आंध्रा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का? तो एडम स्मिथ का है। विश्व बैंक ने भारत को सामान्यतः किस अवधि की योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया था? तो यह दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी UTI की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? तो 4थी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने में से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1978-1979 में। व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? तो KP गीता कृष्णन। IDBI का अध्यक्ष कौन है? तो RM माला। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी NABARD के अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश बख्शी हैं। ठीक है दोस्तों, चेंज भी हो सकता है, अपडेटेड है। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। डॉलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? तो मुंबई का। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नया नाम बंगाली रूपांतरण करके क्या स्वीकार किया गया? तो कोलकाता। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI की स्थापना कब की गई? तो 1948 में। 1948 में IFCI की स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि वित्त आयोग, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र क्या कहलाता है? देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? तो 58.925 करोड़ रुपए। भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITVC है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। वर्तमान में कुल श्रमिकों का कितने प्रतिशत भाग संबंधित है? तो 11.4%। मध्यकालिक उधार दर क्या है? तो वह दर जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार लेता है, यानी IFCI जिस पर क्या करता है? उधार लेता है। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग क्षेत्र को सेवा देता है? तो 21.3 वर्ग को। देश में सड़क परिवहन संबंधी मांग की लगभग कितने प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरी की जाती है? तो 40%। इंदौर में मुख्यतः किसके लदान के लिए बड़े पत्तन बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो मुख्य रूप से कोयला के लदान के लिए। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि मूल्य उत्पादकता में सर्वोच्च दो राज्य कौन है? तो पंजाब और हरियाणा।
भारत में औद्योगिक मूल सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखते हैं, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह किस राज्य में स्थापित करने की सहमति हुई? तो पश्चिम बंगाल में। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है? तो भारत के समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक कुल 24 लाख वर्ग किलोमीटर तक भारत का ईज है। ठीक है, स्वतंत्र विदेशी बाजार से यदि किसी वस्तु पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो आर्बिट्रेज बोलते हैं, आर्बिट्रेज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जी 15 संगठन की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी? तो 19 है। विश्व व्यापार यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? तो माइक मूर। देश की पहली डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी NSDL की स्थापना कब की गई? तो 8 नवंबर 1996 में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 1969 को। नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब थी? तो 31 मार्च 2002 को। 31 मार्च 2002 को नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति थी। ठीक है, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो नवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC का गठन कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को। NDC का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। विश्व का सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली किस देश की है? तो भारत की। भारत का पहला निगमित यानी कॉर्पोराइज्ड बंदरगाह है एन्नोर। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक की। किसकी है? भारतीय रिजर्व बैंक की संस्था है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं और चावल में। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। भारत के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो ये उत्तर भारत की। ठीक है, उत्तर भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है। भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, कौन सा भैया? सूती वस्त्र उद्योग है। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? चीन। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादनों की विज्ञापन पंक्ति है? तो केनवुड। भारतीय स्टेट बैंक ने किस नाम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की थी? तो इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना। सरकार द्वारा लागू किए जाने वाली नॉन शिपर्स योजना का संबंध किससे? तो निर्यातित माल से है। किससे? निर्यातित माल से। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है तो जुलाई से जून। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष शहरी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। फिशर के विनिमय समय समीकरण का सही रूप क्या है? MV=PT। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA का। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला है? तो 3 स्तरों वाला है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। अगला प्रश्न है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? तो संवैधानिक तरलता अनुपात SLR। भारत में मुद्रा स्फीति मापी जाती थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। श्रेष्ठ बाजार का क्या अर्थ है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसके अनुमति से ही संभव है? तो संसद की अनुमति से ही संभव है। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? तो बफर स्टॉक कहते हैं, बफर स्टॉक। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? तो 1951 में। भारत के आकस्मिक कोष में से धन की निकासी किसके अनुमति से की जाती? तो राष्ट्रपति की अनुमति से। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन क्या? इंटक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से कौन सा बैंक सबसे बड़ा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। भारत में नए निजी के लिए आरंभिक न्यूनतम चुकता होना आवश्यक है 200 करोड़ रुपए। कितना? 200 करोड़ रुपए। भारत में हो गया, ठीक है। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने कोष में रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो लोकसभा में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 1978-79 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? तो UK में। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ये UK में है भैया। ठीक है, महिला समृद्धि योजना कब आरंभ हुई? तो 2 अक्टूबर 1993 को महिला समृद्धि योजना आरंभ हुई। WTO कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 1995 को। मूल संरचनात्मक सुविधाओं में शामिल की जाती है ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त, बीमा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, समृद्धि, पूर्ण रोजगार, आय और संपत्ति के समानता में कमी तथा समाजवादी समाज की स्थापना। ये भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए? तो 1970 के दशक के प्रारंभ में।
1970 के दशक के प्रारंभ में। क्रमशः आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यह उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, आवास, न्यूनतम आवश्यक स्तर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। मदडिया बियर किसे कहते हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिराने की आशा में वस्तु को भविष्य देने का वायदा कर बेचता है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बैंक दर से क्या अभिप्राय, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाने और व्यय करने का अधिकार किसे? तो केंद्र और राज्य सरकार को है। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो प्रोफेसर राजकृष्णा ने दी थी हिंदू विकास दर की अवधारणा। इफको क्या है? तो भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। ठीक है, क्या है? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है, इफको। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में। राजा चिलैया समिति की सिफारिश किससे संबंधित थी? तो प्रत्यक्ष व परोक्ष कर से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका वित्त मंत्री करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इसके करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो स्टेट ड्यूटी। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं, लेकिन आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय होता है, यह नियम किसका कहलाता है? तो एंजल का नियम है, ये एंजल्स लॉ है। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे के कारण गिरती रहती है, और इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी देश अपने विनिमय कोष के भाग के रूप में पास नहीं रखना चाहता, कैसी मुद्रा कहलाती है? तो सॉफ्ट करेंसी होती है, उदार मुद्रा इसको कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, ऐसी मुद्रा जिनकी विनिमय दर के गिरने की संभावना या गिर रही हो जिसे कोई स्वीकार करने से कतराता हो क्या कहलाती है? हॉट करेंसी यानी उष्ण मुद्रा। ऐसे ऋण को क्या कहते हैं जिसे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है? तो सॉफ्ट लोन बोलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर न लगाकर मूल्य अनुसार लगाया जाता है क्या कहलाता है? तो एड वेलोरम टैक्स होता है। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिराने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वायदा करता है क्या कहलाता है? तो ये बियर्स कहते हैं, इसको मंदडिया। ठीक है, इंग्लिश में इसको बियर्स बोलते हैं, वैसे मंदडिया बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? तेजड़िया, इनको बोलते हैं बुल्स। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? हार्ड करेंसी। मेरिनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, किसकी नस्ल है? तो भेड़ की है। इस सीडो संबंधित है लघु उद्योगों से, भारत सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयां किससे संबंधित है? तो हथकरघा से ये संबंधित है, आपकी हैंडलूम से। अगला प्रश्न है, बैंक दर क्या है? तो जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। विकास हो रहा है अथवा नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारस्परिक अस्त्र क्या है? तो इसका है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की समृद्धि दर। मानव विकास सूचकांक यानी HDI प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4 प्रतिवर्ष रही। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने इसे क्या नाम दिया था? तो विकास की हिंदू वृद्धि दर। क्या दिया था? विकास की हिंदू वृद्धि दर। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये सर एम विश्वेश्वरैया। भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? तो वैधानिक तरलता अनुपात SLR। सभी व्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हुए वह परिभाषा किस संस्था ने दी है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने। किस औद्योगिक नीति ने प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? तो औद्योगिक नीति 1956 को आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। किसी देश का जीवन स्तर प्रमुखता किससे जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय से। क्राइसिल किसका संक्षिप्त रूप है? तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड का। मॉडर्न फूड्स नाम के केंद्रीय सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा है? तो हिंदुस्तान लीवर्स ने। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए? तो ऋण जाल कहते हैं। ठीक है, ऋण जाल कहते हैं। भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित किया गया है। ठीक है, भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय और भारतीय भारित व्ययों के लिए संसदीय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जाती है? तो विनियोग विधेयक। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है? तो रत्न एवं आभूषण। यदि कोई राष्ट्र मशीनरी संयंत्रों
विनिर्मित वस्तुओं में प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा हो तो वह किस श्रेणी के राष्ट्रों में आता है? तो विकसित राष्ट्र में ये आता है, ठीक है, विकसित राष्ट्र में ये आता है। अगला प्रश्न है, उत्पादक व उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को आरंभ किया? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो विश्व बैंक। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो घरेलू क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो रांची में, झारखंड में। ग्रामीण विकास, आइए ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। भारत में विदेशी मुद्रा कोष पर नियंत्रण किसका है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। बैंक दर किस नीति से संबंधित है? तो मौद्रिक नीति से। मालेगाम समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक पूंजी व्यापार से संबंधित है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया गया है? पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया गया केरल। आय असमानताओं में वृद्धि या कमी को किस माध्यम द्वारा आकलित किया जा सकता है? तो मिनी गिनी गुणांक एवं लारेंज वक्र। कोकर रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो 1990 में आरंभ की गई थी। किसी एक लेखा वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार कीमत पर मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। पूंजी निर्माण के तीन चरण कौन से? तो बचत का सृजन, बचतों का संगठन, वास्तविक निवेश। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्थायित्व को किन सुनिश्चित समाष्टि संकेतकों के व्यवहार द्वारा किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटा, भुगतान शेष व मुद्रा स्फीति, ठीक है, राजकोषीय घाटा, भुगतान शेष व मुद्रा स्फीति। भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड। भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो एडम स्मिथ ने। समृद्धि की अवस्थाएं अवधारणा किससे संबंधित है? तो रोस्टोव से। किससे? रोस्टोव से, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब चालू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रा स्फीति प्रकट होता है? तो मांग प्रेरित स्फीति। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? तो यूटीआई बैंक लिमिटेड 1994। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उनके समापन तक के अधिकार किस विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए? तो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 द्वारा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? तो नोएडा में है। उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये नोएडा में है आपका। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष कौन सा है? 1921। भारत में गरीबी के बारे में अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी किससे संबंधित है? तो वी के राव से। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया? तो सातवीं अनुसूची में। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। अगला प्रश्न है कि चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1950 में। निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम के साथ जुड़ी है? तो रैगनर नरकस। राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार है साधन क्या है? दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है साधन लागत पर NNP। प्रश्न है अगला कि अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून ने 40 वर्ष में कम आयु के 40 सर्वाधिक धनवान व्यक्तियों की सूची में भारत के एकमात्र किस व्यक्ति को 8वां स्थान प्रदान किया है? आदित्य बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला को। अर्थशास्त्र का वर्ष 2002 को नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डेनियल कहानमैन व वर्नाल एल स्मिथ को संयुक्त रूप से। निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी बिक्री व शुद्ध लाभ दोनों ही दृष्टियों से देश की सबसे बड़ी कंपनी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बाहुल्य क्षेत्र है? तो घरेलू क्षेत्र है इसका, ठीक है। क्या होगा आंसर? घरेलू क्षेत्र। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हेगिंग का क्या अर्थ है? तो विदेशी विनिमय जोखिम से बचाव करना। भारतीय बाजारों में पीटर इंग्लैंड ब्रांड से उपलब्ध है कमीजें। भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व किस संस्था को सौंपा गया है? तो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्डों व प्रतिभूतियों पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो रेपो दर कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है रिसर्जेंट इंडिया कहला है कि रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक ने प्रारंभ की? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले बैंक के प्रमोटरों का अंशदान किसी भी समय बैंक की चुकता पूंजी का न्यूनतम कितने प्रतिशत रखा गया? तो 40%।
महल नोबिस अथवा नेहरू महल नोबिस कूटनीति स्ट्रेटजी पर भारत किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। अदृश्य बेरोजगार व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता प्रायः कैसी होती है? तो शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की लोच कितनी होगी? तो इकाई के बराबर। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। बड़ा धक्का अथवा प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो रोजेनस्टीन रोडान थीसस। संतुलित वृत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है किसने? रोजेनस्टीन रोडाल रेगनर नर्क से तथा आर्थर लुइस ने। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास किस रणनीति पर आधारित है? तो महाल नोबिस रणनीति पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई? तो ऊर्जा क्षेत्र को। किसको प्रदान की गई थी भैया? ऊर्जा क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, पूंजी निर्माण के तीन चरण कौन से हैं? तो बचत का सृजन, बचतों का संगठन तथा वास्तविक निवेश। अराबिका एवं रोबुस्टा किसकी दो प्रमुख स्पीसीज हैं? कॉफी की। विभिन्न राज्य के मध्य खाद्य उत्पादों के वितरण तथा अन्य देशों को खाद्य उत्पाद के निर्यात व्यापार से कौन सा संबंध है? तो नैफेड। रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक की भागीदारी को मान्यता प्रदान की गई? तो 100%। क्राइसिल का पूरा नाम भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड है। ठीक है, क्राइसिल का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। भारत में रोलिंग आयोजन की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया? तो 1978। प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार की प्राप्त होती है? तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में। भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय CSO द्वारा। ठीक है, उत्पादन वृद्धि के साथ साथ उत्पादन तकनीक और संस्थागत परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आर्थिक विकास। क्या कहलाता है? आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है, चतुर्थ योजना में दो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए, स्थिरता के साथ समृद्धि और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। स्टाम्प शुल्क दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क आरोपित करता है, परंतु इसके संग्रहण का अधिकार किसे राज्य को है? किन किन करों को केंद्र आरोपित करता है और इससे राजस्व का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के मध्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है? तो ये होता है आपका दोस्तों आयकर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पुस्तक के लेखक कौन है? WA लेविस। कौन है? WA लेविस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया पूर्व सोवियत संघ में। नासडैक क्या है? तो अमेरिका का शेयर बाजार है। भारत में कौन सी नोट निर्गमन प्रणाली प्रचलित है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आज बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो आर के खड़मुगम शेट्टी। कौन है? आर के खड़मुगम शेट्टी। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की होना आवश्यक है? 25 लाख रुपए। विघटित UTI के भागों UTI और UTI सेकंड में कौन सा भाग सेबी के नियमों के तहत एक म्यूचुअल फंड के रूप में कार्य करता है? तो UTI सेकंड। बिड़ला औद्योगिक समूह में किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार किया? तो सन लाइफ के साथ। किसके? सन लाइफ के साथ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से बैंकिंग रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो कोटक महिंद्रा बैंक है। ठीक है, कौन सी वस्तु और उसके उत्पादों की बिक्री सीमित करने के लिए इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने लिया जिससे संबंधित अधिनियम के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान कर दी? तंबाकू व इसके उत्पाद। VRS क्या है? तो अधिक या अवांछनीय कर्मचारियों की छटनी के उद्देश्य से आकर्षक प्रतिपूर्ति पैकेज के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्कॉर्पियो नाम का बहुउपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया? तो महिंद्रा। केरल के पर्यटन भाग का आदर्श वाक्य क्या? ईश्वर का अपना देश, गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। उत्तरांचल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल यानी भेल क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह हरिद्वार में है। देश में आवश्यक वस्तुओं चावल गेहूं का संकट रोधी भंडार बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया गया? तो भारतीय खाद्य नियम यानी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया FCI। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की? तो इंडियन एयरलाइंस ने। ठीक है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो भारत का है। देश में किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बृहत मुंबई की। C2 लागत का प्रयोग किस प्रकार के मूल्य निर्धारण में किया जाता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में। गेहूं चना सरसों और मक्का में से खरीफ की फसल कौन सी? तो मक्का है आपकी। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल साख का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराना है? तो 18%। कितना भैया? 18% ये हमको उपलब्ध कराना है कृषि के लिए।
ठीक है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है, तो भारत में। बाद में पहली बार जनगणना कब की गई, तो 1872 में। माही नदी घाटी योजना में से किस राज्य को लाभ मिलता है, तो गुजरात। प्रथम पंचवर्षीय योजना में से किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, तो कृषि को। कोयली परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला है, तो रूस से। ठीक है, कोयली परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला है, तो ये रूस से। किस योजना के दौरान तमिलनाडु में कलपक्कम में परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई, तो चौथी योजना के अंतर्गत। किस चौथी योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सतलज नदी पर निर्मित बांध, निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई, तो हरिके बांध। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो 1985 में। भारत सरकार द्वारा संशोधित नई वन नीति की घोषणा कब की गई, तो 1988 में। दामोदर नदी घाटी निगम द्वारा चार बड़े बांधों का निर्माण कराया गया था, तिलैया, कोनार, मेहतान तथा पंचेत। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत टीआर माथस ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। कि जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई 1911 से 21। भारत में अनवरत योजना किस अवधि में अपनाई गई, तो 1978 से 1983। बैंक वास प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो गुन्नार मेडल ने। किसने किया था, गुन्नार मेडल ने। द्वीप विकास प्राधिकरण यानी आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नाम पुस्तक किसने लिखी, तो JB कृपलानी ने। भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना महिलाओं की जनसंख्या अधिक है, तो केरल में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSSO की स्थापना कब की गई, तो 1950 में। बॉक्सिंग के लिए न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का क्या नाम है, याकी स्टेडियम। रुईना स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है, तो ब्रिज में। प्रसिद्ध वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, तो नौकायन से। सभी समयों के लिए कुंग फू सम्राट किसे माना जाता है, तो ब्रूसली को। कुंग फू सम्राट किसको कहते हैं, ब्रूसली को। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है, रोम में। कहाँ पर भैया, रोम में। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में, तो अमेरिका में। राउरकेला, विश्व में सर्वाधिक उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है, तो अमेरिका में। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई, तो जर्मनी। विश्व बैंक की उधार ऋण प्रदान करने की खिड़की किसे कहा जाता है, तो IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था, तो हथकरघे के विकास से। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष रॉबर्ट किस देश के नागरिक थे, तो USA के नागरिक है। कहाँ के, USA के। केंद्र सरकार द्वारा चुनिंदा सेवाओं पर आरोपित कर की दर वर्तमान में क्या, 8%। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से चलाने वाली रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है, जापान। कन्या विद्याधन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई, तो उत्तर प्रदेश में कन्या विद्याधन योजना प्रारंभ की गई। Fortune 500 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी भारतीय तेल निगम IOC। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है, रोम में, अभी जस्ट पढ़ा था। विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट के उपभोक्ता कहाँ है, तो अमेरिका में है। राहुल के नाम इस्पात कारखाने के किसके सहयोग से, तो जर्मनी। मास्ट्रिस्ट संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, यूरोप का एकीकरण। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो देवास में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देवास में। चाय के उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में से किस देश का प्रथम स्थान है, भारत। वर्तमान में कितने उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस के परिधि में रखा गया, 6 उद्योग। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा। विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए ऑयल फॉर फूड समझौते से प्रत्यस्त है, तो इराक। कौन है भैया, इराक है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 में। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक BS मिन्नास। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू, नेपाल। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, DIR विदेशी ब्याज दर के अंतर्गत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को किस वार्षिक ब्याज पर ऋण प्रदान किए जाते हैं, तो 4% वार्षिक ब्याज पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना किस वर्ष की, तो 1974 में। सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1974 में। किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, तो इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के मामले में वित्तीय संस्थानों में अग्रणी स्थान किसका है, तो IDBI का है। ठीक है, SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई, तो 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है, मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज। भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन एवं प्रसार पर प्रतिबंध किस तारीख से आरोपित किया, तो 1 मई 2004 से। एक्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना को कब से कार्यान्वित किया गया, तो 1 मई 2004 से। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है, तो UTI। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है, JB से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संतुष्ट किसने की,
एम खुसरो समिति, डो जॉन्स, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, शेयर बाजार है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी की अधिकतम दर कितनी है, तो 20%। ट्रैक्टर पर उत्पाद शुल्क की दर क्या है, शून्य। भारत के रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में किसका अंश सर्वाधिक है, तो तराशे हुए हीरों का। पंचधारा योजना भारत के किस राज्य संबंधित है, तो मध्य प्रदेश। मूडीज क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है मूडीज। मूडीज क्या है भैया, मूडीज अंतर्राष्ट्रीय एक रेटिंग एजेंसी है। हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे, मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से है। सप्तऋषि समिति का संबंध है, तो स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने हेतु तो सुझाव देना है। शंघाई सहयोग संगठन में कितने राष्ट्र सदस्य हैं, तो 6 हैं। डो जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है, तो न्यूयॉर्क। WHO विश्व व्यापार संगठन नहीं, WTO होगा, ठीक है दोस्तों, WHO की जगह WTO, ठीक है। सदस्य संख्या कितनी है, तो 157। भारत में अनुमोदन यानी रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई, तो 1978 से 83। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फिलहाल दोस्तों इसमें हमने लगभग काफी हद तक क्वेश्चन कर लिए हैं, अब बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद और जय भारत।